अब तो दादा भी चले गए हैं, यहाँ से मुझे एक किलोमीटर कह रहा हूँ, एक घंटे का मुझे अकेले ट्रैक करना होगा इस अंधेरे में। मुझे लग रहा है आज की रात खतरनाक होने वाली है बॉस। हेलो, वापस भी अगर मैं जाना चाहूंगा ना इतने अंधेरे में तो 2.5-3 घंटे सही पहुंच पाऊंगा वापस यार। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही डर के मारे हार्ट अटैक से ना मर जाऊं। सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है कि मैं अपने देश के अंदर हूँ, मैं उज्बेकिस्तान जैसी एक कंट्री के अंदर रात को इस तरीके से जंगल में फंस गया, ना तो यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए है, ना आस पास कोई गाँव है, मेरे पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। ये बता रहे कॉर्नर पे पैर मत रख दियो, गलती से भी ये सड़क जा रही है पहाड़ी। तो कह रहा नहीं जानवर तो वहाँ नहीं है कोई, अब दिख जाता है सांप कम खतरनाक जानवर है क्या? दिस रूट इज टफ। कांटे वाली झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कितना भी बच लो आपको चुभी जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ आता होगा, एकदम रॉ जगह है। मुझे बेवकूफ़ के अलावा यहाँ पर और कोई दिख भी नहीं रहा है। भाई ने बोला था 2-3 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ ऑलरेडी, अभी भी बहुत बचा है और मेन चढ़ाई तो अभी बची हुई है। सांसें फूल गई हैं, यहाँ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा फिर जाऊँगा ऊपर। अब पता नहीं यार ऊपर जाके पता चलेगा लोग हैं भी या नहीं है, ऐसा ना हो कि लोग ना हो वहाँ पे, क्योंकि भाई बोला था दिन में तो लोग मिल जाते हैं लेकिन रात को कभी कभी लोग रुकते हैं। जानवर कह रहा है, मैंने पूछा जानवर हैं तो कह रहा नहीं जानवर तो वहाँ नहीं है कोई, कभी कभी सांप दिख जाता है। सांप कम खतरनाक जानवर है क्या? वो भी तब जब आप कैंपिंग करके टेंट में रखने का प्लान कर रहे हो। थोड़ा रिलैक्स करता हूँ फिर चलेंगे। हाफ वे डन, हाफ रास्ता तो मैंने कवर कर लिया है। मैं वहाँ से उस रोड से आया हूँ, फिर वो जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर था मैं, वहाँ से लेके ये एंड देन ये वाला रास्ता लेके यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। अभी काफ़ी और बचा है, ऑलमोस्ट 50% बचा हुआ है। मुझे इस पूरे पहाड़ को क्रॉस करके इसके पीछे जाना है। सांस फूल रही है भाई, गलती कर दी मेरे ख्याल मैंने, प्लस मेरे पास 21 kg वेट भी है। वेट के साथ ट्रैकिंग शायद पहली बार कर रहा हुआ है कोई इतनी लंबी ट्रैकिंग और इतने सारे वेट के साथ। पहले मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और अब पहाड़ को क्रॉस करने के लिए मुझे नीचे उतरना है, फिर मैं दूसरे वाले पहाड़ पर चढ़ूंगा। ऊपर चढ़ने में सांस फूल रही थी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन नीचे उतरने में मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं है, पर पैर दर्द कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक लगानी पड़ती है, आपके पैर जो है ब्रेक का भी काम करते हैं। और बहुत नैरो हो गया यार ये, मुझे वहाँ उस पहाड़ में कहीं जाना है। पहले मैं नीचे जाऊँगा, इस पहाड़ को उतरूँगा, फिर उस पहाड़ को यूँ चढ़ के उसके पीछे जाना है। पीछे तो यार फिर भी खुला एरिया था, ठीक ठाक था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गए, झाड़ियाँ हैं चारों तरफ, तो डर भी लग रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ। यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस है, तो मेरे बैग के अंदर जो सामान है वो आपस में टकरा रहा है और उसमें से जो आवाज़ निकल रही है ना उससे मुझे खुद ही डर लग रहा है कि झाड़ी में तो कोई जानवर तो नहीं निकल के आ रहा है। अब तो भाई साहब बोला भी नहीं जा रहा, सांस बहुत चढ़ चुकी है। सिंस भाई
बहुत देर की वॉक के बाद एक ही अंकल मिले इस प्लेनेट में। हाँ, मैं इसको प्लेनेट ही बोलूँगा, ये जगह नहीं है, यहाँ कोई नहीं है भाई, ये अलग ही दुनिया है। इस प्लेनेट पे मुझे ये इकलौते ऐसे इंसान हैं जो मिले हैं, और ये हैं 62 साल के। स्कल का 62, और ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं थक रहा हूँ, तू थक रहा है। अब इन्हें कौन बताए मैंने ऐसी ट्रैकिंग नहीं की है, करी है पर इतने सामान के साथ कौन ट्रैकिंग करता है, पर इतने सामान के साथ कौन ट्रैकिंग करता है यार। मेरे पास 21 किलो वेट है, 2 बैग, थोड़ी सांस ले लेता हूँ फिर चलेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। И не разгар. Это хорошо. Это хорошо. Это нужно, нужна палка. Без палки нельзя. Ага. Вот, вот палку. Потом, возьми. Потом плохо. Потом с палкой будешь ходить. Вот так с палкой. Кэре, бай, кой дэнда вэнда дунь ле. Е раста то, фир би сайе. Это хорошо. Да, да, да. Потом плохо. Нет. А. Сейчас дорога хорошая. Ага. Сейчас дорога. Это хорошо. Это хорошо. Да. Там очень плохой. कह रहे हैं ये खरोचो है, अच्छा है, पीछे वाला ओचेन प्लो का बहुत बुरा है। त्याजिन दा दा ये उबरी वो मैं शरसगा दवाई दवाई ऐता नियत ऐता ну ртом придется дышать, придется дышать, да, иногда когда устаешь, но когда начинаешь ртом дышать, остановись и отдохни, дыхание опять ровно сделаешь и потом иди. अंकल बता रहे हैं चलना कैसे और सांस कैसे लेनी है, मैं इनसे बात करके फिर मिलता हूँ आपसे। भाई ये अंकल 62 इयर्स के हैं और मुझसे आगे चल रहे हैं। खरच ओके पाए जाऊँ माशरूत का पक्षी तान दरोगा दरोगा एता पाई जाऊँ पिछकॉम एता मनोगा किलोमीटर लो पता नहीं क्या टेंशन है, आर्मी भी आ गई, अब ये रोक ना दे हमको। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सही कह रहे थे ये अंकल, आगे और खतरनाक रास्ता है, सारी रेत है यहाँ, पैर रखते ही सरक जाती है, तो पहले डंडा रख के चेक करना पड़ता है सब कुछ ओके है, तभी आगे बढ़ सकते हो। कह रहे सावधान होकर चलना है, अस्तरोजना। लुकिंग एट यू तो नियत खरोश हो भैया, क्या चीज है ये, क्या पता है ये, ओ भाई मुझसे नहीं होगा। ओ भाई यहाँ से तो ऐसे रपट गया ना, नीचे खाई में जाऊंगा। Это? Где, где песок? Песок. Да, 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 да. А так я могу так. Ну-ка, покажи протектор. Вот да, так, да, покажи. Да. Покажи мне вот этот, покажи. Да. Нет, короче. Кэ рэ, тэрэ джутэ бі иске лі рэди нэ. Ай, бай. Куч канд хо гэ рэгэ. Ор нічэ дип дэхо китна хэ. Смотри. Да. Your name? Динеш. Динеш? Да. Под ногу смотри, камень. Не наступи. Не наступи камень. Я бата рэй, корнер пэ пэр мат рэк дэйо. Я бата рэй, корнер пэ пэр мат рэк дэйо, галти сэ бі. Я сарак жа рэй, пахаді. О, шит, мать га. О, шит. भाई ये नॉर्मल
भाई ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना रॉ फुटेज दिखाओ, रॉ वीडियो बनाओ, देखो रॉ वीडियोस। हाँ वो कह रहे वीडियोस बंद करो। वदापात हेलो, आई शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रूट इज टफ, दिस रूट इज टफ। दिस रूट इज टफ। सांसें फूल रही हैं, फिसलते हुए जा रहे हैं, पर कह रही नहीं ना। बाय बाय बाय। भाई चलते हुए करीब करीब 2 घंटे हो गए। अब यहाँ पर एक जगह पे हमने रेस्ट लिया है। मैं इस पेड़ की टहनी पे ऐसे बैठा हुआ, पीछे रकदक सपोर्ट में रखा हुआ है, यहाँ सामने रखे हुए हैं बैग्स और वो दादा वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। 5-6 मिनट्स रेस्ट, पतम गो। वो बोल रहे हैं कि तेरे लिए रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। मिनिया नहीं नादा, тебе не надо. А, мне надо. Отток сделать надо. У тебя напряжённый сейчас нога. Я хочу рест. У тебя нога сейчас напряжённый, надо немножко расслабиться. Да, 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 да. Aur bhai ek cheez aur hai. Ye beech mein koi gaon aayega wahan pe ruk jayenge, ya par mujhe pata nahi hai, mujhe inki language utni acche se samajh mein nahi aati hai. Ye beech mein koi jagah aayegi jahan ruk jayenge, mujhe wahan se aur aage jana hai. Wada pat ke liye. Mere bas ki nahi hai. Main koshish karunga ye jahan rukenge wahin ruk jaunga. Kal jaunga fir wahan par. और मेरी तो ये सोच के हालत ख़राब हो रही है कि कल वापस कैसे ऊपर जाऊंगा इतना मैं। दस या थ्री छा दो कह रहे हैं तेरी वजह से यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं, 3 घंटे में मैं आना जाना कर लेता हूँ। मेरी टांगे टूट गई हैं भाई, मर गया भाई, आज हालत ख़राब हो गई है। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टीप है, ये मुझे बता रहे हैं कि उतरना कैसे है। ओके वेट 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 भाई, ये पूरा पहाड़ गिरा हुआ है यहाँ से, ये देखो जगह रिस्की है भाई, बहुत ही ज़्यादा रिस्की जगह है ये। मैंने गलती कर दी आके, मुझे पता होता ना, अगर मुझे थोड़ा भी पता होता ना कि ऐसा होने वाला है यहाँ, तो मैं नहीं आता। एक बेवकूफ़ ने नीचे मुझे बोला कि 2 किलोमीटर तुझे चलना है। भाई मैं जानता हूँ, मैं 6-7 किलोमीटर तो चल चुका हूँ और अब अंधेरा होने का हो गया है, और थोड़ी देर में और 15 मिनट के अंदर लाइटें निकालनी पड़ेंगी अगर मैं नहीं पहुँचा तो। Еще 1 час. Да. Темно. Тебя туда? Да. Меня туда. Да. Вот смотри, если водопад не хочешь, вот здесь площадка есть. Площадка. Да, 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 да. Можешь спать на дорожке здесь. Понимаю, понимаю. Можешь ли? Понимаю. Потом утром встать, водопад пойти можешь. Потом, потом. Здесь прямо увидишь, площадка хорошая. Понимаю, понимаю, понимаю. Да? Да. Давай, мать. Хай. अब तो दादा भी चले गए हैं यहाँ से, मुझे 1 किलोमीटर कह रहा हूँ, 1 घंटे का मुझे अकेले ट्रैक करना होगा इस अंधेरे में, और अब यहाँ रोशनी वगैरह भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वदापात में पहुँचूंगा तो वहाँ लोग होंगे या नहीं होंगे। मुझे लग रहा है आज की रात खतरनाक होने वाली है बॉस। भाई
यहाँ ना मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं ना कोई गांव है आसपास। हेलो 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 भाई साहब कोई नहीं है, गुप्त अंधेरे में फंस गया हूँ मैं ये पहाड़ों के बीच में और जंगल। आज रात मेरी लगने वाली है, मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ऐसा है भाई, और कोई जुगाड़ तो है नहीं, इतने अंधेरे में मैं कहीं जा नहीं सकता। मैंने नदी से थोड़ा दूर यहाँ पर एक जगह आइडेंटिफाई करी है, अब रात यहीं बितानी पड़ेगी। नदी से थोड़ा दूर इसलिए क्योंकि रात को नदी के आसपास जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, तो मैं थोड़ा सा दूर हूँ यहाँ पर। ये बैग वगैरह रख दिए, अब टेंट सेटअप करूँगा, अकेला हूँ इस जंगल में मैं। भाई साहब आज रात को पता नहीं क्या होगा। भाई अभी टेंट के अंदर आ गया हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है अंदर कुछ भी बिछाने की। बस मैंने जाते जाते टेंट जो है वो इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं बिछाया। ये देखो डायरेक्ट टेंट में सो गया हूँ मैं, सामान वामान बाहर रख के, कोई ले जाएगा तो ले जाएगा, खैर कोई है ही कहाँ यहाँ जो कुछ सामान लेके जाएगा। बस मैंने जाते जाते सामान फेंक दिया जहाँ भी फेंकना था और अभी टेंट में लेट गया हूँ। जानवरों का बहुत डर लग रहा है भाई, पता नहीं अब मुझे आवाज़ें आ रही हैं या फिर ये मेरा वहम है, लेकिन मुझे कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जरा सा भी कुछ हिल रहा है ना बहुत डर लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज पूरी रात कटेगी कैसे। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10:30 हुए हैं, पूरी रात काटनी है भाई। सुबह के 5-6 भी बज जाएंगे ना, एक बार रोशनी हो जाएगी तो मैं फटाफट से यहाँ से वापस निकलने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी कैसे कटे टाइम। अभी बज रहे हैं रात के 11:15, यहाँ पर टाइम कटना बहुत मुश्किल हो गया है। डर तो इतना लग रहा है मैं क्या बताऊँ, अभी जंगली जानवरों को छोड़ो मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही डर के मारे हार्ट अटैक से ना मर जाऊँ। मुझे नहीं पता यार सुबह तक मैं कैसे सर्वाइव करूँगा यार। सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है कि मैं अपने देश के अंदर नहीं हूँ, मैं उज्बेकिस्तान जैसी एक कंट्री के अंदर रात को इस तरीके से जंगल में फंस गया हूँ। ना तो यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए है, ना आस पास कोई गाँव है, मेरे पास पीने तक के लिए पानी नहीं है इस वक्त। मुझे नहीं पता मैं सुबह का इंतजार कैसे करूँगा, अभी मतलब 5-6 बजे तक का टाइम तो मुझे काटना ही पड़ेगा। और उससे भी बड़ा ना यहाँ हवा चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ों के पत्ते हिलने की वजह से जो आवाज़ आ रही है ना उससे तो और ज़्यादा डर लग रहा है। और जानवरों की आवाज़ मुझे पता है नहीं कि जानवरों की आवाज़ आ रही है क्या आ रही है, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो मन का, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर आ रहा है, कि जानवर की आवाज़ आ रही है। मुझे पता नहीं यार कैसे अभी कटेगा, दिमाग मेरा ख़राब हो गया, मैंने गलत पंगा ले लिया यार, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। तो यार अभी मैंने ना टेंट के अंदर लाइट वगैरह सब ऑफ़ कर दी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूर से कोई जानवर मुझे लाइट देख के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि फिर वो एक अलग तरीके का पंगा हो जाएगा। और एक तो ना नींद यहाँ पर नहीं आ रही है, नींद अगर किसी तरीके से आ गई ना तो चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएंगी, अगर क्योंकि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। पहले तो मुझे जानवरों का डर लग रहा था और अब मुझे लग रहा है कि भूत भूत के जो ख्याल होते हैं ना वो सब मेरे दिमाग में आने लग गए हैं, और वैसे ही अंधेरे में मुझे वैसे ही डर लगता है यार। तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। बाहर जाके मैंने बैग में से एक सिट्रिजिन की टैबलेट खाई है, क्योंकि सिट्रिजिन की जो टैबलेट है ना उसको एक टैबलेट खाने से नशा होता है, तो मैंने एक साथ 2 खा लिए ताकि मुझे जल्दी से नशा सा हो और मैं सो जाऊँ। अगर नींद आ गई तो रात आराम से कट जाएगी, वरना भाई ये एडवेंचर पूरी रात चलने वाला है।